हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग इस वीडियो में सिंटैक्स के अंतर्गत द प्रोनाउन का अध्ययन करेंगे मित्रों, कि किस प्रकार कहां पर और कैसे प्रोनाउन का यूज किया जाता है। आप जानते हैं कि नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। तो मित्रों, हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि जितने भी प्रोनाउन्स हैं उनका कहां और कैसे यूज होता है, ताकि हम एक सेंटेंस को करेक्टली लिख सकें। तो आइए मित्रों शुरू करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स देखिए, ये फर्स्ट रूल है कि किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होता है। किसी भी प्रोनाउन का पर्सन, नंबर तथा जेंडर अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होता है। आप देखिए, जैसे ये है, एवरी सन शुड ओबे हिज पेरेंट्स। अब देखिए यहां पर हिज लगा है, तो अब ये हिज जो है अपने पहले आए हुए अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार होता है। आप देखिए सन के अनुसार होगा। आप सन इसमें क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है और थर्ड पर्सन है, इसलिए यहां पर हिज लगा है। अगर आई होता तो माई लगता, वी होता तो आवर लगता, दे होता तो देयर लगता, सी होता तो हर लगता, ही होता तो भी हिज लगता। तो यही इसमें करा है, किसी प्रोनाउन का जो पर्सन है, पर्सन नंबर था जेंडर है, अपने पूर्ववर्ती नाउन के अनुसार वह यूज होता है। अगला देखिए नीचे, ऑल द बॉयज मस्ट डू देयर ड्यूटीज। कह रहा है कि सभी लड़कों को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। अब देखिए अपना के लिए, अब यहां पर बॉयज है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, बॉय जो है थर्ड पर्सन में आता है। अब ये प्लूरल है, एक से अधिक लड़के हैं, तो यहां पर देयर, अपना के लिए देयर का प्रयोग हुआ। ऊपर वाले में सिंगुलर था, इसलिए यहां पर हिज का प्रयोग था। अगर वहीं पर ही होता तब हिज होता, यहां पर सी होता तो हर का प्रयोग होता, आई होता तो माई होता, वी होता तो आवर होता। अब देखिए इसमें अगला रूल है कि जब दो सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनसे पहले ईच या एवरी आया हो, तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन एक वचन होता है। जैसे देखिए, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर लिखा है, जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों। देखिए यहां पर बॉय सिंगुलर नाउन है और टीचर भी सिंगुलर नाउन है, और उनके पहले ईच या एवरी आया हो, तो देखिए यहां एवरी आया है, तो उसके बाद वर्ब और प्रोनाउन एक वचन होगा। देखिए यहां पर ये वाज जो है एक वचन का लगेगा, एवरी बॉय एंड एवरी टीचर वाज बिजी इन हिज वर्क। अब यहां पर ये सिंगुलर, दोनों सिंगुलर नाउन है और एवरी से जुड़े हुए हैं, तो आने वाला वर्ब जो है वो सिंगुलर होगा, न कि यहां पर वेयर का प्रयोग होगा। इस अर्थ कि प्रत्येक लड़का और प्रत्येक अध्यापक वाज बिजी इन हिज वर्क, अपने काम में व्यस्त थे। उसे नीचे वाला ईच बुक एंड ईच मैगजीन, प्रत्येक किताब और प्रत्येक मैगजीन वाज इन इट्स प्लेस, अपने स्थान पर थी। अब देखिए यहाँ पर ये बुक जो है ये सिंगुलर नाउन है और ये मैगजीन भी सिंगुलर है और दोनों इच से जुड़े हुए हैं, तो इसके बाद आने वाला वर्ब जो है यहाँ पर वाज होगा, न कि वेयर हो। अब अगला देखिए रूल थर्ड है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को और आइदर और नाइदर नॉर से जोड़े, तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देखिए यहाँ पर सीता और रीता, यहां देखिए सीता और रीता आर से जुड़े हुए हैं, तो इसके बाद ये जो है देखिए दोनों सिंगुलर नाउन है, सीता भी ये सिंगुलर है और रीता भी सिंगुलर है। तो इसमें ये रूल में है कि जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नाउन्स को ये आर, आइदर आर, नाइदर नाउन से जोड़े, तो सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यहां पर देखिए ये हर का प्रयोग हुआ, सीता रीता वाज टीचिंग हर ब्रदर, सीता और रीता अपने भाई को पढ़ा रही थी। अब यहां देखिए अपना के लिए यहां पर हर का प्रयोग होगा, देर का प्रयोग नहीं करेंगे, देर का प्रयोग गलत हो जाएगा। ये नहीं कि दो लोग हैं सीता और रीता है तो देर का प्रयोग नहीं, ये जो है सिंगुलर प्रोनाउन का प्रयोग होगा। उसी तरह आइदर सोहन और मोहन हैज बॉट हिज पेन, याद करा कि या तो सोहन ने या मोहन ने अपनी पेन खरीदी है। अब यहां देखिए सोहन और मोहन ये दोनों सिंगुलर है, तो यहां पर ये प्रोनाउन हिज जो है अपना के लिए यहां पर सिंगुलर होगा, देर नहीं होगा, गलत होगा। नाइदर प्रमोद नार कमल हैज लर्नड हिज लेसन, न तो प्रमोद ने और न तो कमल ने अपना लेसन याद किया है। यहां पर भी देखिए ये हिज जो है सिंगुलर रहेगा, जब किसका प्लूरल क्या होता है, देयर होता है। तो यहां पर दोनों सिंगुलर नाउन है, प्रमोद भी सिंगुलर है, कमल भी सिंगुलर है, तो और नाइदर नॉर से जुड़े हैं या आइदर आर से जुड़े हों या आर से जुड़े हों, तो आने वाला जो प्रोनाउन होगा वो सिंगुलर होगा। अब अगला देखिए, जब एक सिंगुलर सब्जेक्ट और एक प्लूरल सब्जेक्ट और आइदर और या नाइदर नॉर से जुड़े हो, तो प्लूरल सब्जेक्ट को बाद में लाया जाता है और प्रोनाउन अपने पास वाले नाउन के अनुसार आता है। आप जिसे देखिए, आइदर सोहन और हिज फ्रेंड्स,
अब यहां पर सोहन सिमिलर है और फ्रेंड्स जो है ये प्लूरल, इसमें यस लगा हुआ है। तेरा या तो सोहन या उसके मित्र फॉरगॉट देयर बुक्स, अपनी पुस्तक को भूल गए हैं। आप देखिए यहां पर जब एक सिंगुलर हो और एक प्लूरल हो तो प्लूरल वाले को बाद में लिखते हैं और सिंगुलर को पहले, जब ये दोनों आइदर आर से जुड़े हों। और ये जो प्रोनाउन है देयर है, ये हमेशा बाद वाले अर्थात इसके अनुसार प्लूरल के अनुसार आएगी यहां पर देयर, न कि सोहन के अनुसार। याद रखिए ये सिंगुलर है ये प्लूरल है, तो यहां पर यहां अपना के लिए जो देयर का प्रयोग है तो ये फ्रेंड्स अनुसार आएगा, ये प्लूरल में इसलिए यहां पर देयर लगा है। उसी तरह है नाइदर कुसुम नॉर हर ब्रदर्स, न तो कुसुम न ही उसके भाई फेल्ड इन डूइंग देयर वर्क, अपना काम करने में असफल हुए। न तो कुसुम नहीं उसके भाई अपना काम करने में असफल हुए हैं। अब इसमें देखिए कुसुम सिंगुलर सब्जेक्ट है और ब्रदर्स प्लूरल है, तो यहां पर जो देयर आ रहा है अपना अपना काम अपना की अंग्रेजी जो है इस ब्रदर्स के अनुसार लेगी, प्लूरल के अनुसार न कि कुसुम के अनुसार। तो यहां पर देयर ये प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग है देयर का, यहां पर हिज का प्रयोग नहीं होगा, गलत होगा। देखिए अगला है कि दो या तीनों पर्सन का प्रयोग एक ही वाक्य में करने पर उनको क्रमशः इस प्रकार लाया जाता है। अगर तीनों प्रोनाउन जो है एक ही में, तीनों पर्सन फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो उसको हमेशा इस क्रम में रखते हैं, पहले सेकंड रहेगा फिर थर्ड रहेगा फिर फर्स्ट रहेगा, अर्थात फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अंत में रखा जाता है। इसके लिए 231 की संख्या याद रखो। अब इसके लिए आप 231 की संख्या याद रखिए, 231 मतलब पहले दो का मतलब सेकंड पर्सन आएगा, तीन का मतलब थर्ड पर्सन आएगा फर्स्ट, और पहले का मतलब फर्स्ट पर्सन आएगा। इसको 231 संख्या याद रखेंगे तो आपको ये भूलेगा नहीं, आप जब भी तीनों पर्सन एक में आएंगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं। देखिए सर यू ही एंड आई आर फास्ट फ्रेंड, कह रहा कि तुम वह और मैं घनिष्ठ मित्र हैं। अब यहां देखिए तीनों प्रयोग है, तो यहां पर पहले सेकंड पर्सन, देखिए सेकंड पर्सन आया है, फिर ही थर्ड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन। उसी तरह देखिए यू एंड आई मस्ट गो देयर, तुम्हें और मुझे वहां जाना ही चाहिए। अब इसमें देखिए केवल दो पर्सन है, दो पर्सन रहेंगे तब भी हम उसी क्रम में लिखेंगे, पहले सेकंड फिर उसके बाद थर्ड रहेगा, सॉरी पहले सेकंड रहेगा फिर उसके बाद फर्स्ट रहेगा, आई फर्स्ट है यू सेकंड है। निश्चल देखिए ही एंड आई कैन नेवर गो देयर, वह और मैं कभी वहां नहीं जा सकते। अब इसमें देखिए ठीक उसी क्रम में रखेंगे, अब यहां थर्ड है ही थर्ड पर्सन है और आई जो है फर्स्ट पर्सन। उसी तरह यू एंड ही कैन डू दिस वर्क, तुम और वह यह काम कर सकते हैं, तो इसको भी उसी क्रम में रखेंगे। देखिए यू जो है सेकंड पर्सन है और फिर उसके बाद ही जो है थर्ड पर्सन, तो इस तरह रखेंगे। तो चाहे तीनों आए चाहे दो आए, तो आप हमेशा 231 का क्रम ही याद रखेंगे कि हमको इसी क्रम में लिखना है। अभी सारे रूल को देखिए, यदि किसी नाउन या प्रोनाउन के बाद आई का प्रयोग होता है, यहां देखिए प्रमोद के बाद आई है, तो उनके साथ आने वाला प्रोनाउन, तो उनके साथ जो ये प्रोनाउन आएगा फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है, देखिए यहां फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है। और यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है, जैसे यहां देखिए यू एंड प्रमोद थर्ड पर्सन का है, और थर्ड पर्सन के साथ यदि यू का प्रयोग होता है तो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आता है, तो यहां पर योर आएगा। देखिए यहां प्रमोद एंड आई शुड लर्न आवर लेसन, प्रमोद को और मुझे हमारा लेसन याद करना चाहिए। देखिए थर्ड पर्सन के साथ यदि आई का प्रयोग है तो यहां पर जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आएगा, यहां आवर रहेगा न कि माई होगा तो गलत है। यहां प्रमोद और आई मिलकर के वी हो गए, हम हो गए, इसलिए यहां पर हमारा हो जाएगा, हमारा लेसन। उसी तरह ये है, यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है। अब देखिए प्रमोद के साथ यदि किसी थर्ड पर्सन के साथ यू का प्रयोग होता है, अब देखिए प्रमोद थर्ड पर्सन, इसके साथ यू का प्रयोग है, यू एंड प्रमोद, कह रहे तुम्हें और प्रमोद को शुड रीड योर बुक, तुम्हें और प्रमोद को अपनी पुस्तक पढ़नी चाहिए। अब यहां पर थर्ड पर्सन के साथ यू का सेकंड पर्सन का प्रयोग है, तो आने वाला ये जो ये प्रोनाउन है वो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा, योर होगा। यहां पर अगर देयर का प्रयोग होगा तो गलत होगा। अब अगला देखिए, अगर तीनों पर्सन एक साथ वाक्य में प्रयोग किए गए हैं तो उनके साथ फर्स्ट पर्सन बहुवचन का प्रोनाउन आता है, फर्स्ट पर्सन एक वचन का प्रोनाउन माई होता है और फर्स्ट पर्सन बहुवचन प्रोनाउन आवर होता है। देखिए यहां पर
यू ही एंड आई मस्ट डू आवर वर्क, राइट, तुम्हें उसे और मुझे अपना काम करना चाहिए। अब यहां पर देखिए अपना के लिए, अब तीनों पर्सन है, दो से इकतीस क्रम में रखे हैं, दो से इकतीस में दो का मतलब सेकंड पर्सन यू रखा गया है, इकतीस तीन का मतलब ही, थर्ड पर्सन ही रखा गया है, और पहले का मतलब आई, एक का मतलब आई, तो ये फर्स्ट पर्सन। अगर तीनों पर्सन हो तो आने वाला जो प्रोनाउन अपना की अंग्रेजी होगी वह फर्स्ट पर्सन का प्लूरल होगा, अर्थात आवर होगा, न कि माय होगा, ये गलत होगा, यहां पर आवर रहेगा। आइए अब अगला रूल देखते हैं। यदि किसी वाक्य में टू बी वर्ब, टू बी वर्ब को इज आर एम वाज वर्ब भी बोलते हैं, का कंप्लीमेंट कोई प्रोनाउन है तो वह सदैव नॉमिनेटिव केस में होता है। नॉमिनेटिव केस का मतलब सब्जेक्टिव फॉर्म, सब्जेक्ट वाला रूप। अब देखिए यहां पर जैसे नीचे वाला देखिए, इट इज आई या मैं हूं हु कैन हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं, या मैं ही हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अब इसमें देखिए इट इज, अब आई यहां कंप्लीमेंट के रूप में है। कंप्लीमेंट किसे कहते हैं, जो वाक्य में जुड़ करके उसके अर्थ को पूरा करे, जैसे इट इज आई, जैसे इट इज, अब ये पूरा अर्थ नहीं दे रहा है, इट इज जब आई जुड़ जा रहा है या मैं ही हूं तो ये पूरा अर्थ दे रहा है, अर्थात यहां पर आई जो है कंप्लीमेंट का काम कर रहा है। तो जब भी इज आर एम वाज वेयर के बाद, वाज वेयर के बाद कंप्लीमेंट जब कोई प्रोनाउन रहे, उसका कंप्लीमेंट जैसे आई क्या है, प्रोनाउन है, तो वो हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म में होता है, अर्थात उसका सब्जेक्ट वाला रूप लिखा जाता है। अगर ऊपर देखिए मी, ये गलत है, ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है, जबकि आई क्या है, सब्जेक्ट। उसी तरह अगर यह वही है रहे तो इट इज ही, न कि इट इज हिम होगा। हमेशा याद रखिएगा ये हमेशा सब्जेक्ट वाला फॉर्म ही आएगा, मतलब आई आ सकता है, ही आ सकता है, वी आ सकता है, दे आ सकता है, न कि वहां पर मी आएगा, अस आएगा, देम आएगा, ये सब नहीं आएगा, तो सब्जेक्ट वाला फॉर्म ही यहां पर होगा, आई रहेगा। अब देखिए ईच अदर दो व्यक्तियों के लिए तथा वन अंदर दो से अधिक व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे पदम एंड रणधीर लव ईच अदर, से पदम और रणधीर एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब यहां पदम और रणधीर दो लोग हैं, इसलिए इसके लिए जो है ईच अदर का प्रयोग हुआ है। ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से, और जबकि वन अंदर का प्रयोग जब दो से अधिक व्यक्ति हो तब, जैसे दी चिल्ड्रेन लव वन अंदर, ये बच्चे एक दूसरे से प्रेम करते हैं। अब यहां पर ये बच्चे जो है तीन भी हो सकते हैं, थ्री आर मोर, मतलब तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसके लिए ये वन अंदर का प्रयोग होगा, दो लोगों के लिए ईच अदर और दो से अधिक के लिए वन अंदर। अब देखिए इसमें अगला रूल है, जब रिलेटिव प्रोनाउन क्रिया का सब्जेक्ट हो, जैसे यहां पर हु देखिए क्रिया का सब्जेक्ट है, ये एम क्रिया है, इसका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो तो क्रिया रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्ववर्ती के नंबर ऑफ पर्सन के अनुसार होती है। अब जैसे देखिए यहां पर इट इज आई हु एम योर फ्रेंड, या मैं हूं जो तुम्हारा मित्र हूं। अब देखिए यहां पर हु जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि यह आई के लिए प्रयोग हुआ है, जो इट इज आई या मैं हूं जो तुम्हारा मित्र हूं। अब ये हु के बाद जो क्रिया आएगी, ये जो एम लगा है, अब ये हु किसके लिए प्रयोग है, आई के लिए प्रयोग है, इट इज आई या मैं हूं जो तुम्हारा मित्र हूं। अब जो किसके लिए, आई के लिए है, तो जब वर्ब आएगा तो इसके इस रिलेटिव प्रोनाउन का जो पूर्ववर्ती आई है ये इसके अनुसार लगेगा, आई के अनुसार क्या लगेगा, एम लगेगा। जबकि ऊपर वाला देखिए गलत है, इट इज आई हु के साथ इज लगा दिया, ये गलत है, क्योंकि यहाँ इसके बाद जब भी वर्ब आएगा आई के अनुसार आएगा, तो परीक्षा में इस तरह गलत देगा आपको, नीचे वाले की तरह जो करेक्ट वाला है ये करेक्ट है, ऊपर इनकरेक्ट है, तो इसकी तरह आपको सही करना होगा। उसी तरह है देखिए, दिस इज वन ऑफ द बॉयज, कह रहा है कि यह उन लड़कों में से एक है, हु हैज स्टोलन द बुक्स, जिन्होंने किताब को चुराया है। अब इसमें देखिए ये इनकरेक्ट है, किस लिए, क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि अब ये हु जो है, हु किसके लिए लगा है, बॉयज के लिए, यह उन लड़कों में से एक है जिसने किताब को चुराया है। अब यहां पर हु बॉयज, अब इसके बाद जो भी ये वर्ब आएगा हैज, हम बॉयज के अनुसार लिखेंगे, जबकि बॉयज प्लूरल में है, इसलिए यहां पर हैज ना करके यहां पर हैव आए। तो जब रिलेटिव प्रोनाउन हो उसके बाद आने वाली जो क्रिया होती है वो अपने अपने पूर्ववर्ती के अनुसार होती है, अर्थात इसमें बॉयज के अनुसार होगा और इसमें आई के अनुसार। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हु का प्रयोग प्रायः मनुष्यों के लिए होता है, हु का प्रयोग जो है मनुष्यों के लिए होता है। देखिए द बॉय, वह लड़का हु इज सिटिंग इन द कॉर्नर, जो कोने में बैठा हुआ है, रीड्स इन माई क्लास, मेरी कक्षा में पढ़ता है। वह लड़का जो कोने में बैठा हुआ है मेरी कक्षा में पढ़ता है। अब यहाँ ये जो हु है, यह बॉय मतलब ये मनुष्य के लिए है,
उसी तरह ही वह व्यक्ति या वह who walks early in the morning जो सुबह जल्दी उठता है gets energy ऊर्जा प्राप्त करता है, वह व्यक्ति जो सुबह जल्दी उठता है ऊर्जा प्राप्त करता है। अब यहाँ who जो है किसके लिए लगा है, ये he मतलब किसी मनुष्य के लिए। देखिए अगला रूल देखिए whom, who सब्जेक्टिव फॉर्म है और whom क्या है ऑब्जेक्टिव है और his क्या है पजेसिव है, याद रखिएगा। जैसे आई मी और माइन, आई सब्जेक्ट है मी ऑब्जेक्ट है और माई पजेसिव है। उसी तरह वी अस आवर, वी सब्जेक्ट है अस जो है ऑब्जेक्ट है और आवर पजेसिव है। उसी तरह जिससे सभी का होता है दे देम देयर होता है, सी हर हर होता है, ठीक है आई माई माई होता है। तो उसी तरह हु सब्जेक्ट होता है हुम ऑब्जेक्ट होता है और जो हुज होता है वो पजेसिव होता है। ध्यान देखिए हुम जिससे, इसका हिंदी में आता है जिससे जिसको जिन्हें जिनको, कह रहा है कि हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए किया जाता है, हुज जिसका इसका अर्थ होता है जिसका या जिनका हिंदी में अर्थ आता है, इसका प्रयोग साधारणतः व्यक्तियों के लिए किया जाता है किंतु कभी कभी इसका प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है। इसे देखिए दिस इज द बॉय, यह वही लड़का है हुम आई लव जिससे मैं प्रेम करता हूं, यह वही लड़का है जिससे मैं प्रेम करता हूं। अब देखिए अब हुम पर यहां ऑब्जेक्ट के रूप में आया है क्योंकि लव प्रेम करने का काम कौन कर रहा है, आई कर रहा है, किससे कर रहा है ये हुम जिससे मैं प्रेम करता हूं। अब जिससे कोई व्यक्ति होगा राम श्याम मोहन गीता सीता तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट रूप में हुम का प्रयोग होता है। अगला देखिए आई नो द वुमैन, मैं उस औरत को जानता हूं हुज हस्बैंड वाज अरेस्टेड, जिसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया, मैं उस औरत को जानता हूं जिसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहां पर देखिए हुज ये पजेसिव का ये यहां पर ये इसका पजेसिव फॉर्म है। द सन देखिए हु का प्रयोग और हुज दोनों का प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है लेकिन हुज का प्रयोग कभी कभी निर्जीव वस्तुओं के लिए भी होता है। इसे देखिए द सन सूर्य, हुज रेज जिसकी किरणें गिव लाइफ टू द अर्थ पृथ्वी को जीवन देती है, इस सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं ऊर्जा का स्रोत होती है, सूर्य की किरणें जो पृथ्वी को जीवन देती है ऊर्जा का स्रोत होती है। अब देखिए हुज रेज जिसकी किरणें, अब किसके लिए प्रयोग है सन, सन एक निर्जीव वस्तु है। देखिए अगला कि विच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है, जैसे आई हैव लॉस्ट द बुक, मैं किताब को खो चुका हूं, विच मैं उस किताब को खो चुका हूं, विच आई बॉट यस्टरडे जिसे मैंने कल खरीदा था। अब जिसे किसके लिए प्रयोग है बुक के लिए, बुक कौन है एक वस्तु है, जिसे मैंने कल खरीदा था कौन खरीदा था बुक खरीदा था, तो बुक के लिए प्रयोग है यहाँ पर, तो यह बुक वस्तु है। तो यह विच का प्रयोग वस्तुओं तथा जानवरों के लिए होता है। जैसे अगला है द हॉर्स, वह घोड़ा विच आई बॉट जिसे मैंने खरीदा था हैज ओन द रेस, रेस जीत चुका है। अब यहां पर जो रेस जीत चुका है, जो कौन जीत चुका है हॉर्स घोड़ा, तो घोड़े के लिए यहां विच का प्रयोग है, तो घोड़ा क्या है ये जानवर है। अगला देखिए दैट का प्रयोग व्यक्तियों तथा वस्तुओं के लिए होता है, दोनों के लिए होता है। जैसे अनइज अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, वह व्यक्ति परेशान रहता है जो कि मुकुट धारण करता है, मतलब जिसके पर जिम्मेदारी होती है वह परेशान रहता है। द प्लेन दैट लैंडेड अ मिनट एगो, कराए वह प्लेन जो एक मिनट पहले उतरी है केम फ्रॉम मुंबई, मुंबई से आई है। अब यहां पर देखिए दैट का प्रयोग यहां प्लेन के लिए है, निर्जीव वस्तु के लिए है। अब यहां पर दैट जो है उस हेड के लिए है, मतलब उस किसी व्यक्ति के सिर के लिए है। तो यहां पर दैट का प्रयोग वस्तुओं व्यक्तियों के लिए भी होता है और वस्तुओं के लिए भी होता है। अब अगला रूल देखिए जब एंसिडेंट पूर्व कराए कि पहले सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद साधारणतः रिलेटिव प्रोनाउन एज आता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट नियम भी है मित्रों, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। देखिए जैसे ये है दिस इज द सेम पेन, या वही पेन है एज आई गेव यू, कह रहा है कि जैसा मैंने तुमको दिया था, या वही पेन है जिसे मैंने तुमको दिया था। अब देखिए आप सेम दिस इज द सेम पेन, अब देखिए यहां पर एज का पूर्ववर्ती यहां पर पेन है, उसके पहले सेम का प्रयोग हुआ है, तो जब पूर्ववर्ती पहले सेम या सच का प्रयोग हो तो उसके बाद हमेशा एज आता है। देखिए ये ऊपर वाला जो गलत है दिस इज द सेम पेन विच आई गेव यू, या वही पेन इसे मैंने तुम्हें दिया था, दोनों का अर्थ तो सेम आ रहा है लेकिन यहाँ पर ये इसके पहले पेन के पहले सेम का प्रयोग हो तो यहाँ पर एज का प्रयोग विच का प्रयोग नहीं होगा। उसी तरह है नीचे वाला सच बॉयज आर केयरलेस सफर इन देयर लाइफ। अब यहां आप देखिए ये नाउन है, इसके पहले सच का प्रयोग है तो यहां एज आएगा, कराया कि ऐसे लड़के एज आर केयरलेस जो लापरवाह होते हैं सफर इन देयर लाइफ अपने जीवन में कष्ट सहते हैं। तो अब यहां पर देखिए इस तरह गलत होगा, परीक्षा में इस तरह गलत देता है सच बॉयज हु
ऐसे लड़के जो हु आर केयरलेस, जो कि लापरवाह होते हैं, सफर इन सफर इन देर लाइफ, अपने जीवन में कष्ट सहते हैं। अभी यहाँ पर देखिए इसके बाद हु का प्रयोग है, ये गलत है, जबकि सच सच रहेगा या सेम रहेगा तो उसके बाद एज का प्रयोग होगा। अब आइए अगला रूल देखते हैं। हु अथवा विच के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग निम्नलिखित अवस्था में होता है। देखिए वी हु अथवा विच के स्थान पर, अब दैट का प्रयोग जो है व्यक्तियों के लिए भी होता है, वस्तुओं के लिए भी होता है। तो निम्न अवस्थाओं में विच हु और विच के स्थान पर दैट का प्रयोग हो सकता है। जैसे देखिए सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पश्चात, अब देखिए यहाँ पर दिस इज द बेस्ट, यह सबसे अच्छा है, दैट ही कुड डू, जो वह कर सकता था, मतलब यह सबसे अच्छा है जो वह कर सकता था, मतलब कोई काम या कोई ऐसी चीज। अब देखिए यहाँ पर बेस्ट क्या, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके इसके बाद जो है यह सबसे अच्छा है जो वह कर सकता था, बेस्ट के लिए यहाँ ये दैट का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री है तो दैट ले। से ऑल या ऑल हो, एनी हो, नॉन हो, नथिंग हो, ओनली आदि शब्दों के पश्चात, जैसे ऑल सारी करे हुए सब, ऑल मतलब सब, सब दैट ग्लिटर जो चमकते हैं, इज नॉट गोल्ड, सोना नहीं होते, मतलब सारी चमकने वाली चीजें सोना नहीं होती है, तो यहाँ ऑल लगा है, तो यहाँ यहाँ पर जो है प्रोनाउन दैट का प्रयोग। यू मे टेक एनी पेन, तुम कोई भी पेन ले सकते हो, दैट यू लाइक, जो तुम चाहो। अब यहाँ पर देखिए एनी का प्रयोग है तो दैट लगेगा। देयर इज नथिंग, कोई ऐसी चीज नहीं है, दैट अट्रैक्ट्स मी, जो मुझे आकर्षित करती है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो मुझे आकर्षित करती है। अब यहाँ पर नथिंग लगा है, नथिंग है तो यहाँ पर दैट का प्रयोग। मैन इज द ओनली एनिमल, मनुष्य जो है अकेला जानवर है, कह रहा है कि मैन इज द ओनली एनिमल, मनुष्य अकेला जानवर है, दैट कैन यूज हिज इंटेलिजेंस, जो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर ओनली लगा है तो ओनली लगेगा तो भी उसके लिए, तो वहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन के स्थान पर जो है दैट का प्रयोग हुआ, हु और विच के स्थान पर। अब अगला रूल देखिए। हु और वाट आदि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पश्चात, जब हु और वाट जो है प्रोनाउन का काम करे लेकिन इंट्रोगेटिव अर्थात उनसे प्रश्न बने, जैसे देखिए व्हाट इज दैट, वह कौन सी चीज है, दैट मेक्स यू फियरलेस, जो तुम्हें निडर बनाती है। अब देखिए यहाँ पर वाट का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में हुआ है, तब जो है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का प्रयोग होगा। व्हाट इज इट, यह क्या है, दैट मेक्स यू फियरलेस, जो तुम्हें निडर बनाती है। और हु एम आई, कह रहा है कि मैं कौन होता हूँ, दैट शुड हेल्प यू, जो तुम्हारी मदद करूं, मतलब मैं तुम्हारी मदद करने वाला मैं कौन होता हूँ। अब यहाँ देखिए हु का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में है, क्योंकि यह एक इंट्रोगेटिव वाक्य बना रहा है, तब जब हु और वाट का प्रयोग जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में होता है तो वहां पर भी दैट का प्रयोग होता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। अगला है कि दो एंसिडेंट के पश्चात, जब उनमें एक व्यक्ति को तथा दूसरा किसी जानवर या वस्तु को इंगित करता हो, जब दो पूर्ववर्ती हो, जैसे देखिए द बॉय एंड हिज डॉग, लड़का और उसका कुत्ता, दैट हैड एंटर्ड माय हाउस, जो मेरे घर में प्रवेश किए, वे लॉक्ड हो गए, मतलब बंद कर दिए गए, मतलब घर में बंद कर दिए गए। कह रहा है कि लड़का और उसके कुत्ता जो मेरे घर में प्रवेश किया वे लॉक कर दिए गए, मतलब बंद कर दिए। अब इसमें देखिए, अब दैट ये रिलेटिव प्रोनाउन है, जो मेरे घर में प्रवेश किया, किसके लिए प्रयोग है, बॉय के लिए और डॉग के लिए। तो आप दैट के दो पूर्ववर्ती हैं, इसमें एक व्यक्ति है और दूसरा जानवर है, तो जब दो पूर्ववर्ती हो, एक व्यक्ति हो और एक जानवर हो, तो वहां पर भी दैट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए ये नियम है कि रिलेटिव प्रोनाउन को जितना संभव हो सके अपने एंसिडेंट के समीप रखना चाहिए। देखिए द वॉच, वह घड़ी विच आई बॉट, जिसे मैंने खरीदा, विच आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदा, वॉच लास्ट खो गई, वह घड़ी जिसे मैंने कल खरीदा वह खो गई। अब इसमें देखिए हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन को अपने पूर्ववर्ती के पहले होना चाहिए, पूर्ववर्ती मतलब जिसके लिए वह प्रयोग किया गया है। जैसे देखिए द वॉच, वह घड़ी विच आई बॉट यस्टरडे, जिसे मैंने कल खरीदी थी, खो गया। अब इसमें विच, जिसे मैंने खरीदा, किसे खरीदा था, वॉच, तो वॉच जो है विच का पूर्ववर्ती है, तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन अपने पूर्ववर्ती के पास ही रहता है। देखिए मित्रों, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अकेला कभी भी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, उसे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आता है। देखिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रहेगा, जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, यह जो है अकेला कभी किसी वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बनता, उससे पहले कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर माई सेल्फ डिड दिस वर्क, अब ये गलत है क्योंकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बिना किसी सब्जेक्ट के आया, इस तरह होगा आई माई सेल्फ डिड दिस वर्क,
कि मैंने स्वयं इस कार्य को किया, या हिमसेल्फ रहेगा तो हिमसेल्फ साथ ही जरूर आएगा, देमसेल्फ रहेगा तो दे जरूर आएगा, आवर सेल्फ रहेगा तो वी जरूर रहेगा, माई सेल्फ रहेगा तो उसके लिए आई जरूर रहेगा, योर सेल्फ रहेगा तो उसके लिए यू जरूर रहेगा। तो ये माई जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, आवर सेल्फ, ये कभी जो है सब्जेक्ट के स्थान पर यूज नहीं हो सकता, इसके साथ कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन अवश्य आएगा। देखिए यहाँ पर नोट में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में ये लिखा है कि माई सेल्फ आता है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ है, हिम सेल्फ है, हर सेल्फ है, इट सेल्फ है, या देम सेल्फ आता है। अब देखिए अगला रूल है अवेल, बी टेक, अबसेंट, प्राइड, एंजॉय, ड्रिंक, ओवरस्लीप, रिजाइन, अप्लाई, अवेंज आदि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है। इन सब वर्ब के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग होता है मित्रों। जैसे आई प्राइडेड माई सेल्फ ऑन माई स्ट्रेंथ, अब ये देखिए प्राइड के साथ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग है। द बॉयज अब्सेंटेड देमसेल्फ फ्रॉम द कॉलेज, लड़कों ने अपने आप को कॉलेज से अनुपस्थित कर लिया। अब यहां पर देखिए यहां पर अब्सेंट है सर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्फ का प्रयोग। अब ये निर्भर करता है देमसेल्फ लेगा, माइसेल्फ लेगा, हर सेल्फ लेगा, ये निर्भर करता है सब्जेक्ट पर। से आई है तो यहाँ माइसेल्फ, बॉयज है तो देमसेल्फ। ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, उसने स्वयं इस अवसर का लाभ उठाया। अब यहाँ अवेल मीन्स लाभ उठाना होता है। अब देखिए यहाँ पर हिमसेल्फ ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, अब ही के अनुसार हिमसेल्फ आया है। मोहन अवेल्ड हिमसेल्फ ऑन हिज एनिमी फॉर द इंजरी, मोहन ने जो है मोहन ने स्वयं बदला लिया इस एनिमी अपने शत्रु से फॉर द इंजरी, अब उस चोट के लिए, उस घाव के लिए, उस चोट के लिए मोहन ने स्वयं अपने शत्रु से बदला लिया। अब यहाँ पे देखिए एवेंज है, बदला लेना होता है, तो इसके लिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया है। किसके अनुसार आएगा? मोहन के अनुसार। वी एंजॉयड आवरसेल्फ इन द फेयर, मेले में हमने स्वयं आनंद लिया। अब एंजॉय है तो इसके साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवरसेल्फ लगा है, और किसके अनुसार लेगा? वी के अनुसार लेगा। देखिए यहाँ पर आइदर और नाइदर दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध में प्रयोग होता है। दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध में एनी या नॉन का प्रयोग होना चाहिए। अब देखिए जैसे यहाँ पर आइदर ऑफ यू कैन टेक इट, अब यहाँ आइदर क्यों लगा है? इसका मतलब दो लोगों की बात कर रहा है, इसका मतलब कि आइदर ऑफ यू कैन टेक इट, तुम दोनों में से कोई भी इसे ले सकता है, इसका मतलब ये है आइदर लगाए तो मतलब दो लोग हैं। नाइदर ऑफ द टू पेन इज सी, अब मैंने केवल नाइदर लगाया है मतलब केवल दो चीजों की बात हो रही है, मतलब दो पेन की। नाइदर इसका अर्थ होगा कि नाइदर ऑफ द टू पेन से चीप, दोनों पेन में से कोई भी पेन सस्ती नहीं है। जब दो लोगों की आइदर और नाइदर लगा रहे तो दो वस्तुओं या व्यक्तियों के संबंध में प्रयोग होता है। अब उससे अधिक हो तो एनी और नॉन का प्रयोग। जैसे देखिए नॉन ऑफ द फाइव बॉयज कैन डू दिस वर्क, पांचों लड़कों में से कोई भी इस कार्य को नहीं कर सकता। अब इसमें देखिए पांचों लड़कों में से पांच लोग हैं, दो से अधिक है तो नॉन का प्रयोग है। अगला रूल देखिए, अगर वाक्य में इंडेफिनिट प्रोनाउन वन का प्रयोग हुआ है तो अंत तक प्रोनाउन के स्थान पर वन का ही प्रयोग होता है। अब इसमें देखिए वन का, अब यहाँ वन का मतलब कोई व्यक्ति, से वन शुड डू वन ड्यूटी, ये इंपॉर्टेंट भी है मित्रों, ये परीक्षा में पूछता भी है ये एग्जांपल। देखिए वन शुड डू वन ड्यूटी, अब यहाँ वन का मतलब एक नहीं है बल्कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति से, तो इसमें कह रहा है कि किसी व्यक्ति को शुड डू वन ड्यूटी, अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। आप जानते हैं कि अपना के लिए जो है अलग अलग लगता है, सब्जेक्ट के ऊपर निर्भर करता है। जैसे आई के लिए आई है, सब्जेक्ट आई है तो अपना के लिए माई का प्रयोग होगा, ही है तो अपना के लिए हिज का प्रयोग होगा, दे है तो अपना के लिए देर का प्रयोग होगा, यू है तो योर का प्रयोग होगा, वी है तो अपना के लिए आवर का प्रयोग होगा। तो इसी तरह जो है ये वन वन जो है ये सब्जेक्ट है, किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग है, तो वन के साथ अपना के लिए वंस का प्रयोग होता है मित्रों, इसको हमेशा याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछता भी है। वन शुड डू वन ड्यूटी, किसी व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और ऊपर देखिए गलत देगा परीक्षा में तो इस तरह देता है, वन शुड डू हिज ड्यूटी, किसी भी व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। यहाँ पर हिज का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ही के साथ हिज लगता है, वन के साथ हमेशा वंस लगेगा। अब आखिरी रूल है मित्रों, देन और एज के पश्चात आने वाला प्रोनाउन स्थिति अथवा अर्थ के अनुसार नॉमिनेटिव अथवा ऑब्जेक्टिव केस किसी में भी हो सकता है। ऐसे देखिए यहाँ पर आई एम नॉट एज रिच, मैं उतना धनी नहीं हूं एज ही जितना हुआ। अब यहां तो एज के बाद ही जो आया है ये नॉमिनेटिव केस, मतलब सब्जेक्ट के स्थान पर है, मैं उतना धनी नहीं हूं जितना हुआ, तो यह जो है स्थिति के अनुसार प्रयोग होता है। नीचे वाला ही लाइक्स यू, वह तुम्हें पसंद करता है बेटर देन मी, मेरी अपेक्षा, तो वह मेरी अपेक्षा रहा है कि ही लाइक्स यू बेटर देन मी, वह तुम्हें ज्यादा पसंद करता है मेरी अपेक्षा। अब यहां पर देखिए मी का प्रयोग जो है देन के बाद, ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस में है,
तो इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म है, कर्म वाला रूप है, और जबकि यहाँ पर एच के बाद जो ही आया सब्जेक्ट वाला फॉर्म, तो यह स्थिति पर निर्भर करता है कि सब्जेक्ट रहेगा कि ऑब्जेक्ट रहेगा। तो मित्रों यह जो है सिंटैक्स के इस पार्ट में जो प्रोनाउन वाला जितने रूल्स थे जो परीक्षा में पूछा जाता है या पूछा जा सकता है उसको सारे मैंने आपको बता दिए मित्रों, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा मित्रों।